अरे ये क्या मोटरसाइकिल रेस क्या? अरे क्राइम ब्रांच क्या यहाँ पे शिफ्ट हो गया? वो टाउन हॉल के पास था, अभी नहीं है क्या? चुप रहो। वसी वसी टेक इट इजी, वसी 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 टेक इट इजी। ये कार स्टीरियो थोड़ा संभाल लेना, बहुत सारे चोर हैं यहाँ पे। सही बोला, इससे थोड़ा बच के रहो। अरे सर ये आपका घर है, मुझे लगा तुमने समझा सांप का घर ही है। अब कैसा है तेरा ऑपरेशंस? अरे सर सरकार हट गई, खजाना खाली है, अब मैं साफ हूँ। लेकिन ज्यादा मुश्किल हुआ तो 300 मोबाइल फोन, 250 एसी, 260 कंप्यूटर, बस उतना ही, और कोई मेजर डिलीवरी नहीं है सर। खाली सब जेल से निकला है सर। मैं जल्दी लौटूंगा सर। इन ऑपरेशंस का नया नया टेक्निक्स क्या है? क्या सर आप भी थोड़ा शुरू करना है? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आप ये ऑपरेशन से हल्की चोरी या पॉकेट मारना चाहते हैं? हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग नहीं, एक बड़े बिल्डिंग से। आप सीरियस हैं? हाँ सर। ये बिल्डिंग यानी बहुत तरह के हैं, ऊंचा बिल्डिंग, रोड डाला हुआ बिल्डिंग, दीवार बांधा हुआ, चिमनी वाले, बिना चिमनी के। यू मीन विच बिल्डिंग सर? नहीं यार अभी नहीं, आई शुड टेल यू लेटर सर। समझ में नहीं आया सर। समझ गया। बेटा। हाँ माँ। तुम्हारे लिए एक फोन है। या ये कौन सी चीज है? ये भी पुलिस है क्या? काम से मैं भी पुलिस जैसा ही हूँ। पुलिस का खास आदमी है माँ। ये क्या पीने के लिए कुछ? हाँ कुछ गरम मिलेगा तो। अच्छा चाय दे दो। ठीक है। क्या बे? चाय हो या कॉफी गरम चाहिए बोल रहा था ना। माँ है क्या? नहीं मदर है। मैंने सोचा मम्मी होगी। चुप रहो। चुप रहो। ये डेड बॉडी की बोरी में लिया हुआ फोटो। माँ और बच्चे साथ मिलकर सत्याग्रह। अबकारी कॉन्ट्रैक्टर कुच नारायण के घर के आगे माँ और बेटे दोनों मिलकर सत्याग्रह। अधिकारी से न्याय की आवश्यकता करते हुए राज एक्साइज विभाग की क्लास 4 कर्मचारी नारायणी और उनकी बेटियां साथ में किया हुआ सत्याग्रह। ब्रिंग इट प्लीज। तेरह जून 86 के दिन काम से वापस लौटते समय को एक गाड़ी के टकराने से घायल हुई नारायणी अम्मा को लोगों ने अस्पताल में भर्ती किया। बाद में पता लगने से कि गाड़ी अबकारी कॉन्ट्रैक्टर कुच नारायण की थी और जब शिकायत के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा तभी माँ और बेटी कुच नारायण के घर के बाहर सत्याग्रह शुरू किया है। सर विशेष नाहत है, हम जांच कर रहे हैं जोड़ियों को क्या लेना देना संबंध है। मारा हुआ रवि कुमार राज्य एक्सरसाइज विभाग का कर्मचारी था, ये नारायणी वही ऑफिस का क्लास 4 कर्मचारी, और रवि कुमार की हत्या के सिर्फ एक दिन बाद ये एक्सीडेंट भी हुआ। बस इतना ही? ये तो फिर हाथी और घोड़े के चार पैर बोलना। अगर कोई संबंध नहीं है तो इस लाल निशान का क्या मतलब है? कुछ भी होने दो, इस केस को उस दिन जांच करने वाले इस खबर को इतनी अहमियत क्यों दी? वो छोड़ो, मुझे इस नारायणी अम्मा से मिलना है, जरूर मिलना है। नहीं हम ये कौन से रास्ते पे चल रहे हैं? जो भी रास्ते से जा रहे हैं देख लेते हैं। क्यों सेतुलक्ष्मी? जानबूझकर सर, उस कमीने ने मुझ पे गाड़ी चलाई। जानता हूँ जानबूझकर ही है। आपको भी लगा ना? उसका कभी भला नहीं होगा। 15 बार माजे आपने यही बोला, आप तो जरा आगे तो बढ़ो। देखा बेटा तुम्हें भी लगा ना? पहले से लगा। बेटी तुम क्यों ऐसी खड़ी हो, बैठ जाओ। उस दिन से मैं विकलांग हो गई, मेरी नौकरी भी गई, इस पैर के साथ मैं कैसे चलूं? मेरी दुखी कहानी में किसे सुनाओ? बेटी तुम क्यों खड़ी हो, बैठ जाओ, बैठो ना। सच है सर, उसने जानबूझकर मेरे पे गाड़ी चलाई, मेरे बच्चों को और कौन है। जैसे नारायणी अम्मा ने बोला, कुछ नारायण ने जानबूझकर ही किया,
पर जानबूझकर करने के लिए कोई तो एक कारण होगा ना, है कि नहीं? वही तो मैं भी बोल रही हूँ, जानबूझकर ही गाड़ी चला। पुलिस वालों को बोला तो वो सुन नहीं रहे हैं। उनका एजेंट है कहकर 10,000 रुपए देकर मुझे बेवकूफ बनाया। बेटी तुम क्यों खड़ी हो, बैठो ना। उस एक्सीडेंट के बाद माँ ऐसी ही है, एक ही बात बार बार बोलती रहती। ये सांप कौन है, आपके पति है? नहीं नहीं, पर ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे राम लखन है। आप यहाँ आइए। राम लखन नहीं, राम और सीता की तरह है। बोलूंगा पित्यू, आप मरेंगे ना। माँ के ऊपर जानबूझकर कुछ नारायण ने गाड़ी चलाई। हाँ बेटी। जानबूझकर चलाने के लिए कुछ तो कारण होगा, वो क्या है? वो मैं उस कुत्ते के बच्चे को वो फाइल नहीं दिया इसलिए। वो कौन सा फाइल, कौन सा था वो कुछ नारायण को चाहिए था? वो रवि कुमार सर जांच कर रहे वो फाइल। बेचारे सार और उनकी बीवी को उस दुष्ट ने मारा। दुष्ट? कौन दुष्ट? वो सांप के भाई, उसे फांसी नहीं काट काट के फेंकना चाहिए। आपको किसने बोला कि उसकी भाई ने मारा है? पूरे शहर में खबर है, पेपर में आया था। कोई फायदा नहीं। मुझसे बोले माँ जी, उस दिन कोचि नारायण ने कौन सी फाइल मांगा था? वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, ये नारायणी ने जो फाइल बोला वो मिल जाता तो कुछ और रवि कुमार को कनेक्ट करने का वो लिंक मिलता। ओके डन सर, आप जरा निकलिए। अगर उनके द्वारा ऐसा एक केस रचाया गया है तो उन फाइल्स को घुमाना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने पहले वही किया होगा। नहीं सर, ये कुछ को उठा लिया तो देखते हैं, उसका वक्त नहीं आया। भगवती कुंद के हत्या प्रदेश से कोई हो तो उन्हें उठाओ। अगर उनको कुछ नारायण से कोई भी कनेक्शन है तो हमारे शक मजबूत हैं। क्या हम रूट बदल रहे हैं, पहले कुछ नारायण फिर नारायणी अभी हत्यागर, क्या है इन सबका मतलब? जस्ट ओबे ऑर्डर्स, डू यू गेट मी?